हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन लिवर वॉर्ट एंड मॉस। पहला डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस कहता है कि लिवर वॉर्ट का जो थैलस है ना, वो हॉरिजॉन्टल थैलस है, मतलब ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ये। और इसका जो थैलस है वो इरेक्ट है, मतलब सीधा, एकदम सीधा। मतलब मैं समझा लेता हूँ, इसका थैलस है ना, थैलस में मतलब मेन बॉडी वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब ऐसे ग्रो करेगा, ऐसे इधर इधर। और इसका थैलस इरेक्ट मतलब सीधा, सीधा मतलब ये ऐसे, इसका रूट ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ ये ग्रो करेगा। और इसका लीफी मेंबर, लीफी मेंबर मतलब जिन जिन लिवर वॉर्ट के पास लीफ होगा वो टू रो में होगा। मतलब ये अगर एक थैला से हॉरिजॉन्टल थैला से लिवर वॉर्ट का किसी का, तो उनका लीफ ऐसे टू रो में अरेंज होगा, दो दो रो में अरेंज होगा। और इसकी बात करें, इसका जो लीफी मेंबर है जिसके पास लीफ होगा वो स्पाइरल लीफ होगा। मतलब कि ये थैलस है ना, थैलस के इधर लीफ, इधर लीफ, इधर लीफ, ऐसे ऐसे स्पाइरल होके जाएगा। मतलब वही समझा रहा है इधर। तो नेक्स्ट आते हैं, इसका स्पोर गेमेटोफाइट देता है, डायरेक्टली गेमेटोफाइट देता है। और इसका स्पोर प्रोटोनिमा देता है। और इसका राइजोइड यूनिसेल्युलर है और इसका राइजोइड मल्टी सेल्युलर है। ये हो गया। और इसका स्पोरोफाइट लेस इलाबोरेट, मतलब थोड़ा सा कम डेवलप्ड है। और इसका स्पोरोफाइट मोर इलाबोरेट, मतलब ज़्यादा डेवलप ये स्पोरोफाइट होता है। और है स्पोर डिस्पर्जन मैकेनिज्म, मतलब इसके पास स्पोर अलग अलग जगह पहुँचाने के लिए एक मैकेनिज्म होता है, लेकिन इसके पास नहीं होता है। लिख देता हूँ, नो सच मैकेनिज्म। तो तब तक के लिए धन्यवाद।